इस तरह से इसको यहाँ पर अनलॉक करने के लिए ये जो कोड है दोस्तों और कंप्लीट जो यहाँ पर प्रोसीज्योर देख रहे हैं ये कंप्लीट आपको यहाँ पर दोस्तों यूज करना है अनलॉक के लिए हेलो फ्रेंड्स स्वागत है इस नए वीडियो में दोस्तों ओप्पो का सेट में दोस्तों इस तरह से आप यहां पर पासवर्ड यहां पर लगा के भूल गए दोस्तों पासवर्ड पता नहीं है दोस्तों तो कंप्लीट इसका सोल्यूशन दोस्तों स्टेप बाय स्टेप आपका यहां पर टोटल यहां पर सोल्यूशन आ गया दोस्तों इस सोल्यूशन को आपको यहाँ पर दोस्तों देख के आपको सही सही इंटर करना है दोस्तों और आपका हार्ड रिसेट जो है दोस्तों आपका यहाँ पर हंड्रेड सक्सेसफुल हो जाएगा तो दोस्तों इस तरह से आप ओप्पो का दोस्तों इसमें ए ए और ओप्पो का ए तिरासी इतने सारे मॉडल का दोस्तों तीन जो मॉडल है ये तीन मॉडल का दोस्तों आप यहाँ पर पासवर्ड पैटर्न या पिन लगा के भूल गए दोस्तों तो आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आपको टोटल आपको सॉल्यूशन करना है दोस्तों और आपका यहाँ पर हार्ड रिसेट हंड्रेड परसेंट आपका यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाएगा तो आइए दोस्तों यहाँ पर ट्रिक को स्टार्ट करते हैं कैसे आपको यहाँ पर अनलॉक करना है उससे पहले आपको दिखाते हैं दोस्तों आपका हार्ड रिसेट जो है आप कौन सा गलती करते हैं तो आपका सक्सेसफुल नहीं होगा तो यहाँ पर दोस्तों इस तरह से पावर आरोप यहाँ पर कर देंगे पावर ऑफ यहाँ पर करने के बाद दोस्तों पावर ऑफ जब हो जाए उसके बाद पावर ऑन ऑफ बटन और वॉल्यूम डाउन बटन दोनों को एक साथ यहाँ पर प्रेस करके रखना है दोनों को एक साथ यहाँ पर प्रेस करके रखेंगे दोस्तों पावर ऑन ऑफ बटन और वॉल्यूम डाउन बटन को इसको जैसे ही प्रेस करके रखेंगे दोस्तों आपका ओप्पो और रिकवरी मोड इस तरह से आ जाएगा ओप्पो और रिकवरी मोड आने के बाद दोस्तों आपको कुछ देर इंतजार करना है कुछ देर इंतजार करने के बाद दोस्तों इसके बाद जो है अगला ऑप्शन यहाँ पर आएगा अगला ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर आएगा अगला ऑप्शन में दोस्तों इस तरह से लैंग्वेज का जो सिलेक्शन है लैंग्वेज का आप यहाँ पर सिलेक्शन कर लेंगे और इस पर दोस्तों लैंग्वेज को यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको है नीचे में वाइफ डाटा का जो ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पर वाइफ डाटा का ऑप्शन में यहाँ पर जाएंगे वाइफ डाटा का ऑप्शन में यहाँ पर जैसे ही जाएंगे दोस्तों आपका यहाँ पर जो पासवर्ड है वो आपका यहाँ पर शो हो जाएगा यहाँ पर क्यों होता है दोस्तों आप यहाँ पर डायरेक्ट जाएंगे तो आपको यहाँ पर बार बार यही शो होगा दोस्तों आपका अनलॉक सक्सेसफुल नहीं होगा लेकिन दोस्तों आप ट्रिक के साथ करेंगे तो आपको आगे दिखाते हैं कि हार्ड रिसेट आपका यहाँ पर कैसे सक्सेसफुल होता है यहाँ पर कंप्लीट दोस्तों न्यू मेथड है न्यू मेथड को आपको यहाँ पर जल्दी से जल्दी आपको यहाँ पर कर लेना है और आपका हार्ड रिसेट आपका यहाँ पर सक्सेसफुल करना है तो इस तरह से बैक चल जाएंगे दोस्तों बैक जाने के बाद आपका यहाँ रिबूट का जो ऑप्शन है रिबूट यहाँ पर कर देंगे रिबूट यहाँ पर जैसे ही करेंगे दोस्तों फ़ोन आपका यहाँ पर ऑफ हो जाएगा ऑफ होने के बाद दोस्तों फिर से आपका ऑन होगा दोस्तों ऑन यहाँ पर होने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है आपका जब ऑन हो जाए तब आपको यहाँ पर इस तरह से पासवर्ड शो होगा तो इसके बाद जो यहाँ पर दोस्तों न्यू मेथड है न्यू मेथड जो यहाँ पर दोस्तों हार्ड रिसेट का यहाँ पर जो मेथड है दोस्तों उसको यहाँ पर लेके आते हैं और लेके आके दोस्तों आपको एक एक स्टेप आपको यहाँ पर दिखाते हैं और आपको यहाँ पर अनलॉक यहाँ पर आपको करके दिखाते हैं तो इस तरह से दोस्तों आपके यहाँ पर ये यह आपका यहाँ पर कंप्लीट आपका यहाँ पर सोलूशन दिया हुआ है दोस्तों कैसे करना है कैसे कौन सा पहले करना है कौन नहीं करना है कैसे होगा ये आपका पहले ही आपका बता गया है दोस्तों तो ओप्पो का मोबाइल का दोस्तों हार्ड रिसेट यहाँ पर जो है आपका यहाँ पर नॉट सक्सेसफुल क्यों नहीं होता है तो यहाँ पर 2023 में ओप्पो मोबाइल हार्ड रिसेट सक्सेसफुल करने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पर जो है आपका इम्पोर्टेंट एक न्यू अपडेट आया है दोस्तों ये बोल रहा है ओप्पो मोबाइल हार्ड रिसेट आपका और सबसे पहले आपको इसको करने के लिए आपका मोबाइल में आपको जो है ऑफ़लाइन मेथड में होगा तो ऑफलाइन मेथड में होगा दोस्तों तो इसके लिए आपको यहाँ पर सिम को जो है आपको यहाँ पर निकाल लेना है सिम को यहाँ पर निकालने के लिए बोला जा रहा है दोस्तों तभी आपका ट्रिक वर्क करेगा तो हम लोग यहाँ पर सिम को जो है देख सकते हैं सिम को यहाँ पर निकाल लिए हैं सिम को यहाँ पर निकालने के बाद दोस्तों सिम को यहाँ पर निकाल लेंगे इस तरह से सिम को निकालने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर आपको अप्लाई करना है ये बोल रहा है तो इस तरह से अप्लाई यहाँ पर करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर इमरजेंसी में यहाँ पर जाएँगे दोस्तों इमरजेंसी में यहाँ पर जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो कोड है एक एक कोड यहाँ पर कैसे करना है दोस्तों एक एक स्टेप आपको यहाँ पर लिखा हुआ है तो आपको यहाँ पर ध्यान से यहाँ पर देखना है दोस्तों ध्यान से यहाँ पर देखने के बाद आपको एक एक स्टेप को अप्लाई करना है और आपको यहाँ पर करना है तो ये कोड लिखा हुआ है दोस्तों ये कोड के आगे में इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है उस कोड को सेम टू सेम अप्लाई करके आपको यहाँ पर करना है तो यहाँ पर जो कोड है दोस्तों इसको अप्लाई करेंगे स्टार है सिक्स डबल नाइन थ्री टू फोर थ्री सिक्स जीरो हैच स्टार थ्री थ्री जीरो और हैच ये आपका यहाँ पर इस कोड को यहाँ पर दिया हुआ है इस कोड को आपको देख के सही सही आपको यहाँ पर इंटर करना है और इसके आगे सेवन दिया हुआ है और विथ सेलेक्ट आपको यहाँ पर करना है तो यहाँ पर दोस्तों इस तरह से आपको यहाँ पर टच करके रखना है और आपको यहाँ पर सारा को आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है तो यहाँ पर दोस्तों इस तरह से यहाँ पर आगे कर देंगे और इसको यहाँ पर आगे कर देंगे सारा आपका यहाँ पर सेलेक्ट हो गया दोस्तों और आपको यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद आपको सेवन दिया हुआ है तो सेवन टाइम्स आपको यहाँ पर आपको कम से कम आपको सेवन टाइम्स आपको यहाँ पर करना है तो इस तरह से सेवन टाइम्स यहाँ पर करेंगे दोस्तों सेवन टाइम्स यहाँ पर करने के बाद दोस्तों इसको यहाँ पर सेवन टाइम्स कर लेंगे और सेवन टाइम्स करने के बाद दोस्तों आपको इस कोड को आपको यहाँ पर मिटा देंगे इस कोड को यहाँ पर मिटा देंगे दोस्तों इसके बाद इसके बाद का जो कोड है उस कोड को यहाँ पर देख के दोस्तों यहाँ पर थ्री प्लस टू लिखा हुआ है तो यहाँ पर इस कोड को पहले इंटर कर लेते हैं स्टार हैच थ्री टू फोर सिक्स नाइन थ्री स्टार हैच टू टू जीरो और हैच इसको आपको यहाँ पर प्रेस करेंगे इसको यहाँ पर प्रेस करेंगे दोस्तों और इसको यहाँ पर प्रेस करने के बाद थ्री प्लस टू है थ्री टाइम्स विदाउट सेलेक्ट और टू टाइम्स विद सेलेक्ट इस तरह से उसको एक्टिवेट करना है तो तीन बार आपको बिना सेलेक्ट को इसको यहाँ पर एक्टिवेट कर लेते हैं तीन बार दोस्तों इसको बिना सेलेक्ट का आपको एक्टिवेट कर लेते हैं दो बार आपको यहाँ पर सेलेक्ट करके करना है तो यहाँ पर दो बार सेलेक्ट करके बोला जा रहा है तो दो बार इसको यहाँ पर सेलेक्ट ऑल कर लेंगे और सेलेक्ट ऑल करके आपको सेलेक्ट के साथ आपको यहाँ पर इस तरह से एक्टिवेट करेंगे इस तरह से यहाँ पर करेंगे दोस्तों और इसको यहाँ पर करने के बाद दोस्तों इसके बाद आगे का जो कोड है आगे का कोड को यहाँ पर इंटर करेंगे तो इसके आगे का कोड गा को इंटर करेंगे दोस्तों तो इस कोड को भी जो है यहाँ पर इस तरह से आपको इरेज कर देंगे और यहाँ पर स्टार हैच एट डबल नाइन हैच प्रेस करके इंजीनियर मोड ओपन करेंगे उसके बाद दोस्तों मैनुअल टेस्ट में यहाँ पर जाना है मैनुअल टेस्ट में यहाँ पर जाने के लिए बोला जा रहा है दोस्तों तो इस तरह से मैनुअल टेस्ट में जाएंगे मैनुअल टेस्ट में जाने के बाद अदर्स का ऑप्शन में जाएंगे तो इस तरह से मैनुअल टेस्ट में यहाँ पर जाएंगे दोस्तों मैनुअल टेस्ट में यहाँ पर जाने के बाद अदर्स का जो ऑप्शन है दोस्तों अदर्स का ऑप्शन में यहाँ पर जाएंगे अदर्स का ऑप्शन में यहाँ पर अदर्श का ऑप्शन में यहाँ पर जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर इसके बाद आपको यहाँ पर रीड राइट डाटा बेस और डी टी स्टेटस को आपको यहाँ पर करना है तो इस तरह से ओके करेंगे दोस्तों इस तरह से वरंग पासवर्ड का ऑप्शन आएगा इस तरह से वरंग पासवर्ड का ऑप्शन यहाँ पर आएगा दोस्तों इस तरह से वरंग पासवर्ड का ऑप्शन आएगा दोस्तों यहाँ पर देख ले तो यहाँ पर दोस्तों इस तरह से वरंग पासवर्ड का ऑप्शन आएगा इसके बाद कोड आपका सही से डाले हैं दोस्तों तो इस तरह से आएगा और उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है आपको यहाँ पर उसके बाद आपको यहाँ पर डाटा बेस वर्जन जो है इसको आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है डाटा बेस वर्जन को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे दोस्तों इस तरह से डाटा बेस को और उसके बाद दोस्तों इसको यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर डी टी स्टेटस को यहाँ को सिलेक्ट कर लेना है डी टी स्टेटस को आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है दोस्तों और उसके बाद आपको यहाँ पर उसके बाद आपको यहाँ पर जी पी में जाना है जी में जाने के बाद आपको यहाँ पर पहले ही लिखा हुआ है कि आपका यहाँ पर सक्सेसफुल आएगा तो फिर देखते हैं दोस्तों यहाँ पर तो होता है कि नहीं तो जीपीएस में देख सकते हैं दोस्तों हंड्रेड परसेंट जो आपका सक्सेसफुल यहाँ पर आ चुका है तो पर दोस्तों जैसे आपका यहाँ पर लिखा हुआ है इससे यहाँ पर कर रहे हैं और हंड्रेड परसेंट आपका यहाँ पर आ चुका है तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग का हंड्रेड परसेंट पर आ चुका है उसका दोस्तों एक बार यहाँ पर बैक कर लेना है बैक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर देख लें यहाँ पर इतने सारे ऑप्शन है यहाँ पर आपको यहाँ पर कुछ भी आपको यहाँ पर नहीं करना है तो पर दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है इस तरह से सारा कुछ यहाँ पर कम्प्लीट हो चुका है उसके बाद दोस्तों इस तरह से की को प्रेस कर देंगे की को प्रेस करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर इसके बाद और एक कोड को आपको यहाँ पर इंटर करना है उसके बाद दोस्तों और एक बार इस कोड को यहाँ पर इंटर करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाएगा ये यह आपको यहाँ पर लिखा हुआ है उसको दोस्तों इस कोड को यहाँ पर देख ले ये कोड जो है ये कोड यहाँ पर देख रहे हैं इस कोड को आपके यहाँ पर देख के सही से इंटर करना है कोड जो है दोस्तों स्टार हैच टू सिक्स थ्री टू फोर थ्री हैच स्टार टू टू फाइव और हैच इस कोड को यहाँ पर इंटर करना है इस कोड को यहाँ पर इंटर करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर आगे में फाइव लिखा हुआ है मतलब फाइव मतलब इसका मतलब फाइव टाइम्स आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है सेलेक्ट सिलेक्ट यहाँ पर करने के बाद आपको इस तरह से यहाँ पर ओके का जो ऑप्शन है इस तरह से यहाँ पर आपको यहाँ पर करना है फाइव टाइम्स इसको यहाँ पर कर लेना है दोस्तों उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है आपको यहाँ पर उसके बाद पावरऑफ यहाँ पर कर देना है और हार्ड डिजेक्ट आपका यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाएगा ये भी आपको यहाँ पर लिखा हुआ है तो हम लोग यहाँ पर अप्लाई करके देखते हैं दोस्तों क्या आपका यहाँ पर होता है आप यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर आप देखें कि इसके बाद जो हम लोग अप्लाई यहाँ पर कर रहे हैं तो क्या आपका यहाँ पर हो रहा है तो इससे पार्ट रोलम बटन और वॉल्यूम डाउन बटन दोनों को एक साथ यहाँ पर प्रेस करके रखेंगे दोनों को एक साथ जैसे ही प्रेस करके रखेंगे दोस्तों यहाँ पर ओप्पो और रिकवरी मोड जो आपका यहाँ पर आया था वो पहले जैसा आपका यहाँ पर आ जाएगा ये आपका यहाँ पर आने के बाद दोस्तों आपके यहाँ पर इसके बाद जो है आपका लैंग्वेज का जो ऑप्शन है लैंग्वेज का ऑप्शन आएगा तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों लैंग्वेज का ऑप्शन आने के बाद आपके यहाँ पर आगे क्या होता है तो लैंग्वेज का ऑप्शन आने के बाद दोस्तों यहाँ पर वाइफ डाटा का जो ऑप्शन है और वाइफ डाटा का ऑप्शन में यहाँ पर जाएंगे इस तरह से वाइफ डाटा का ऑप्शन में यहाँ पर जाएंगे दोस्तों इसके बाद यहाँ पर पार होना बटन को प्रेस करेंगे इसको प्रेस करेंगे दोस्तों उसके बाद फॉर्मेट डाटा का जो ऑप्शन है फॉर्मेट डाटा में जाएंगे फॉर्मेट डाटा में यहाँ पर जाएंगे दोस्तों और पार होना बटन को प्रेस करेंगे तो देख सकते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पर सक्सेसफुल इंटर कर चुके हैं स्ट्रिक के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर करके दोस्तों सक्सेसफुल यहाँ पर आके तो देख सकते हैं दोस्तों वाइफ डाटा यहाँ पर सक्सेसफुली आपका कंप्लीट यहाँ पर हार्ड रिसेट यहाँ पर सक्सेसफुल यहाँ पर इस तरह से हो गया तो इस तरह से ओके okay का जो बटन है इसको प्रेस कर देंगे दोस्तों ओके का बटन को प्रेस करते ही आपका मोबाइल यहाँ पर ऑफ हो जाएगा ऑफ होने के बाद दोस्तों फिर से ऑन होगा तो वीडियो को हम लोग आगे फॉरवर्ड करते हैं दोस्तों और फॉरवर्ड करके इसके बाद का जो ऑप्शन है इसको अप्लाई करते हैं तो इस तरह से दोस्तों आपको यहाँ पर इस तरह से आपको यहाँ पर क्या करना है इस तरह से लैंग्वेज को आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है लैंग्वेज को सेलेक्ट करना है दोस्तों इस तरह से कंटिन्यू आपको यहाँ पर कर लेना है उसके बाद दोस्तों स्किप का ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा इस तरह से स्किप का ऑप्शन यहाँ पर कुछ देर के बाद यहाँ पर आएगा दोस्तों स्किप यहाँ पर कर देना है स्किप यहाँ पर करने के बाद दोस्तों आपको इस तरह से वाईफाई असिस्टेंट इस तरह से कंटिन्यू यहाँ कर लेना है कंटिन्यू यहाँ पर करेंगे दोस्तों इसके बाद कंटिन्यू करने के बाद आपको गूगल सर्विस आएगा इसको यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेना है गूगल सर्विस को उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर स्किप का ऑप्शन आएगा पर स्किप यहाँ पर कर लेना है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सॉफ्टवेयर अपडेट है यहाँ पर कंटिन्यू आएगा कंटिन्यू कर देना है इंपॉर्टेंट डाटा सेट न्यू ऑपोन सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर सेट न्यू ओपो फोड कर इसको यहाँ पर इसको अनटिक कर देना है और यहाँ पर स्किप कर देना है इसकी व्यवहार करने के बाद दोस्तों जेट स्टार्ट में आपको यहाँ पर टच कर देना जेट स्टार्ट में जैसे ही टच करेंगे दोस्तों फोन आपका यहाँ पर सक्सेसफुली आपका यहां पर अनलॉक सारा कुछ यहाँ पर देख ले दोस्तों फोन आपका यहाँ पर सही से आपका यहाँ पर वर्क